सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। भारतीय चुनावों के इतिहास में ऐसा समय आया जब देश आर्थिक सुधारों से लेकर राजनीति में गठबंधन युग का गवाह बना। राजनीतिक उथल पुथल और बदलाव की बयार के बीच वैश्विक पटल पर भारत एक सशक्त देश बनकर उभरा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र की दास्तान के अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे मौजूदा समय के साथ कदम ताल करते हुए कैसे भारत अपनी आंतरिक चुनौतियों से उबरकर वैश्विक मंच पर एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरा। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। बात करते हैं साल 1991 की, जब चुनावी दौर के बीच ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई। भारत इस समय राजनीतिक तथा आर्थिक संकटों से घिरा हुआ था। चुनाव खत्म हुए और पीवी नरसिम्हा राव ने देश की कमान संभाली। इस चुनाव में केवल 56.73% ही मतदान हुआ, जो कि साल 1989 के 61.95% से बहुत कम था। वहीं नतीजों पर नजर डालें तो मालूम होता है कि कांग्रेस ने 521 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 232 सीटें उसके खाते में आईं। वहीं 468 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा ने 120, जनता दल ने 59, CPIM ने 35 और CPI ने 14 सीटें जीती। चूंकि इस समय भारत एक गंभीर आर्थिक समस्या से जूझ रहा था, इस वजह से नरसिम्हा राव सरकार को आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरणा मिली। तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पटल पर स्थापित किया। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान ही देश कई बड़ी घटनाओं का साक्षी बना, जिसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस, बम्बई बम धमाके शामिल थे। हालांकि आर्थिक उदारीकरण के बाद देश में एक सकारात्मक बदलाव नजर आ रहा था। नरसिम्हा सरकार के कार्यकाल खत्म होने के बाद साल 1996 के चुनावों में किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिल पाने के कारण गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई, और इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा ने इतिहास रच दिया। और 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन वो कहते हैं ना कि राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए किसी को नहीं पता होता। कुछ ऐसा ही हुआ भाजपा सरकार के साथ, और महज 13 दिन के भीतर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, जिसके बाद 13 पार्टियों का गठबंधन बना और इस दौरान HD देवगौड़ा और फिर बाद में IK गुजराल प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। लेकिन इनकी सरकारें अल्पकालिक साबित हुईं। दरअसल गठबंधन की डोर कमजोर पड़ने लगी थी और राजनीतिक समूहों के आपसी कलह के कारण देश एक बार फिर चुनाव की ओर अग्रसर था। साल 1998 में 16, 22 और 28 फरवरी को मतदान हुआ, जिसमें 60.58 करोड़ मतदाताओं में से 37.54 करोड़ वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त रहे TN शेषन ने चुनावी प्रक्रिया में बदलाव किया और नामांकन दाखिल करने के लिए प्रस्तावकों की संख्या में बढ़ोतरी की। अकेले इस कदम से कुल चुनावी उम्मीदवारों की संख्या को कम करने में सहायता मिली। वहीं चुनावी आंकड़ों की बात करें तो भाजपा ने 181 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस ने 141, CPIM ने 32, सपा ने 20, AIADMK ने 18, राष्ट्रीय जनता दल ने 17, समता पार्टी ने 12 सीटें हासिल की। 1998 के नतीजों के बाद गठबंधन की आवश्यकता को समझते हुए भाजपा ने 19 अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया, और इसके साथ ही 20 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान वाजपेयी सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु संपन्न देश का दर्जा दिलवाया। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests. हालांकि इस परीक्षण के बाद आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा, और इसी उथल पुथल के बीच फिर एक बार वाजपेयी सरकार के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा और देश एक ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। दरअसल मंत्रिमंडल से पार्टी के सदस्यों के इस्तीफे के बाद वाजपेयी सरकार को विश्वास मत लेने के लिए कहा गया, जिसके बाद 15 अप्रैल 1999 को सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर 2 दिन बाद मतदान हुआ। वही 17 अप्रैल 1999 को हुए मतदान में बेहद चौंकाने वाला नतीजा सामने आया। 269 वोटों के साथ वाजपेयी सरकार सिर्फ 1 वोट से अपना बहुमत साबित करने में विफल रही। लेकिन इसके बाद कांग्रेस भी अपने सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद चुनाव आयोग अगले आम चुनावों की तैयारी में जुट गई, लेकिन उसी दौरान भारत पाकिस्तान सीमा पर झड़पों की खबरें सामने आईं।
हर गुजरते दिन के साथ हालात बिगड़ने लगे और पाकिस्तानी सेना कारगिल में नियंत्रण रेखा के पास के इलाकों में घुसपैठ करने लगी। इसके बाद भारतीय सेना ने भारतीय वायुसेना के सहयोग से 3 मई 1999 को ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारत ने इस युद्ध में जीत हासिल की और 26 जुलाई 1999 को यह युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध के कारण देरी से 1999 का चुनाव आखिरकार 5 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच हुआ। 61.95 करोड़ मतदाताओं में से 37.16 करोड़ योग्य वयस्कों ने मतदान किया, जिसमें 29.57 करोड़ महिलाएं शामिल थीं। चुनाव के बाद समय था नतीजों का और इस बार आखिरकार भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ 303 सीटें लाने में सफल रही। इसके साथ ही 13 अक्टूबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस बीच भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल किया जाता है और अक्टूबर 2001 में 51 वर्षीय नरेंद्र मोदी के हाथों गुजरात राज्य की कमान सौंपी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह वही दौर था, नरेंद्र मोदी राजनीतिक गलियारों में अपनी धाक जमा रहे थे, लेकिन साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों ने उनकी छवि धूमिल की और गुजरात सरकार की जमकर आलोचना की गई। बहरहाल नीतिगत विरोध के बावजूद बीजेपी धीरे धीरे देश में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए युवा भाजपा नेताओं ने वाजपेयी सरकार को चुनाव तय समय से पहले कराने के लिए राजी किया और दावा किया कि पार्टी जीतने के लिए यह उचित समय है। इसलिए 2004 के सितंबर अक्टूबर में होने वाले चुनावों को अप्रैल मई में करवाया गया। इस दौरान चुनावी प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए और 2004 के चुनावों में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग बैलेट पेपर की जगह किया गया। हालांकि ईवीएम का प्रयोग 1982 में केरल के पारवूर विधानसभा क्षेत्र में प्रायोगिक तौर पर पहले भी किया गया था। उनके उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए 1989 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किया गया। 2004 के इस चुनाव में पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय अपनी पूरी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करना अनिवार्य कर दिया। 2004 के चुनावों में बड़ा उलटफेर हुआ और कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले शानदार वापसी की। इस सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और उनके नेतृत्व में भारत ने आर्थिक मोर्चे पर महत्वपूर्ण प्रगति की। इस दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और शिक्षा का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम लागू किए गए। लेकिन इसी कार्यकाल के दौरान भारत सहित दुनिया ने 26 नवंबर 2008 को खौफनाक मंजर देखा, जब देश की आर्थिक राजधानी मानी जाने वाली मुंबई में एक सुनियोजित आतंकी हमला किया गया। इसके बाद देश में आतंकवाद से निपटने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए, जिसमें NIA यानी राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का गठन किया गया था। आतंकी हमले के कुछ महीनों बाद ही देश में चुनावों ने दस्तक दी, क्योंकि 2009 के चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में बने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी गई थी, जिसके कारण चुनाव परिसीमित निर्वाचन क्षेत्रों और सीमाओं के आधार पर हुए। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 500 निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं की संरचना में बदलाव हुए और उस साल लगभग 71.69 करोड़ मतदाताओं में से 41.71 करोड़ लोगों ने पूरे भारत में 8.3 लाख मतदान केंद्रों पर मतदान किया। इस चुनावी दौड़ में कुल 8,070 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें 556 महिला उम्मीदवार शामिल थी। वही बात करें परिणामों की तो 15वें लोकसभा चुनावों में UPA गठबंधन फिर एक बार जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रही। अपनी दूसरी पारी में मनमोहन सिंह की सरकार ने आर्थिक सुधारों की गति को बनाए रखा और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इस अवधि में भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले भी सामने आए, जिसने सरकार की साख को प्रभावित किया। वहीं साल 2014 के चुनावी रण में बड़ा बदलाव नजर आया। इस दरमियान भारतीय राजनीति में मोदी लहर ने दस्तक दी। अच्छे दिन के वादे पर 2014 का चुनाव लड़ा गया और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने अपने दम पर बहुमत हासिल किया और NDA सरकार बनाई। मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की, जो भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था को नए आयाम देने के उद्देश्य से थी। देश के चुनावी इतिहास को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादी के बाद अब तक देश ने न केवल विभिन्न राजनीतिक दलों की शक्ति संतुलन में बदलाव देखा, बल्कि देश की नीतियों और दिशा में बड़ा परिवर्तन देखा। दोस्तों, आपने अब तक आज़ादी के बाद से लेकर अब तक की चुनावी यात्रा देखी, कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार देश में कैसे बनती है सरकार? तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब के साथ ही मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।